नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आज के इस लेसन में हम लोग एफ शार्प 7 गिटार कॉर्ड के बारे में बात करेंगे, या फिर हम इसे एफ शार्प डोमिनेंट 7 गिटार कॉर्ड भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले इस कॉर्ड में यूज होने वाले हम लोग देख लेते हैं नोट्स, वो कौन कौन से हैं। वो है हमारे एफ शार्प, ए शार्प, सी शार्प और ई। तो इन चार नोट्स को हम लोग अपने पूरे फ्रेटबोर्ड पर कहीं भी बजा दें तो हमारी एफ शार्प 7 गिटार कॉर्ड बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं इसे किस तरीके से बजाना है। आपको सबसे पहले अपनी इंडेक्स फिंगर को रखना है सेकंड फ्रेट पे, अपनी रिंग फिंगर को रखिए आप लोग फिफ्थ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग पे, अपनी मिडिल फिंगर को रखिए आप लोग थर्ड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे, और बाकी बची हुई जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो हमारी इंडेक्स फिंगर कवर कर रही है ऑलरेडी। तो फिर बजाते हैं हम लोग अपनी एक्स्ट्रा सेम गिटार कॉर्ड 6 4 5 3 2 1 2 3 4 5 6। दोस्तों तो ये है हमारी एफ शार्प 7 या एफ शार्प डोमिनेंट 7 गिटार कॉर्ड। दोबारा से देखते हैं कैसे बजाना है इसे। सबसे पहले बार दीजिए अपनी इंडेक्स फिंगर से इस तरीके से, उसके बाद अपनी रिंग फिंगर को रखिए फिर स्ट्रिंग चौथी फ्रेट पे, और अपनी मिडिल फिंगर को रखिए थर्ड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे, और बजाइए 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6। दोस्तों ये है हमारी एफ शार्प 7 गिटार कॉर्ड। अगर आपको मेरे लेसन पसंद आए तो इसे रेट करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।